बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5 के मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रही हूँ मैं। चैप्टर नंबर 5, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेट्स डिस्कस टुडे रिव्यू एक्सरसाइज। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, उसके चंद क्वेश्चंस, बाकी आपने उन मेथड को फॉलो करते हुए खुद सॉल्व कर लेना। द फर्स्ट आई कंप्लीट द फैक्टर 3। ये 72 वाला फैक्टर 3 था। तो एज यू नो के फैक्टर 3 में हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स को स्प्लिट कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर 72 किसका मल्टीपल है, ये 4 मल्टीपल है 18 है। उसके बाद ये 4 है, 4 फर्दर स्प्लिट होगा 2 मल्टीपल 4 होता है। एंड देन इस तरीके से सो ऑन सो फोर्थ हमने फैक्टर 3 को कंप्लीट कर लिया। ये 18 है, ये 2 मल्टीपल 9 18 होता है, फिर ये 2 वैसे ही रह जाएगा और 9 फर्दर स्प्लिट आउट हो जाएगा 3 मल्टीपल 3। नेक्स्ट है जी बी, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 132 एंड 220। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का मेथड ये होता है, 132 एंड 220 आपने इस एक वैल्यू को एक ही फिक्स नंबर पर जो है वो मीट करना है। जैसे कि 2 है, 2 6 है 12, फिर 2 6 है 12, फिर 2 1 है 2, 2 1 है 2 0। इस 2 ने इस पूरे स्टेटमेंट को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आंसर लिया गया। अब फिर 2 इस पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड करेगा और आंसर यही आ जाएगा, 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, 2 5 सा 10। नेक्स्ट है 11 3 सा 33 और फिर 11 5 सा 55। अब ये नेक्स्ट ये जो डिजिट्स हैं ये डिवाइड तो होते हैं, लेकिन ये दोनों डिजिट एक पहले पर डिवाइड नहीं होते, इसलिए फिर हम यही स्टॉप करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11, 2 2 सा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 11, 4 मल्टीप्लाई बाई 11 सा 44। नेक्स्ट है एलसीएम, अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो 132 एंड 220 को आपने राइट करना है। 11 यानी किसी भी नंबर पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 11 वन सर 11, फिर 11 टू सर 22, फिर 11 टू सर 22 0, फिर 4 3 सर 12, 4 5 सर 20, 3 वन सर 3 एंड 3 ये 5 जो डिवाइड नहीं होगा ये वैसे ही एज इट आ जाएगा, फिर 5 वन सर 5 यानी कि ये यहाँ आ जाएगा 1 1 एंड पर बच जाएगा। एलसीएम में आप ऑल वैल्यू को राइट करते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 11 मल्टीप्लाई बाई 4 44, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 44 मल्टीप्लाई बाई 15 663। तो ये 663 जो है ये एलसीएम आया और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ये 44 आया। इसी तरीके से ये इस प्रोसेस को आपने बाकी क्वेश्चन में वो कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग द रिवीजन मेथड। रिवीजन मेथड को यूज करते हुए आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो सेम सिचुएशन सेम जो मेथड है, 108 एंड 36, 4 है 4 2 सा 8, 4 7 सा 28। नेक्स्ट है 4 9 सा 36, 3 27 और 9 है, 9 3 सा 27, 9 1 सा 9, फिर 3 है 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर में चूंकि इन सब ने डिवाइड कर दिया वैल्यूज को, इसलिए हम क्या ले सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 9